हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिमी सरहद पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश साइकिल रैली से बीएसएफ के जवान दे रहे हैं राष्ट्रीय एकता एवं नशा मुक्ति का संदेश। सरहदी इलाकों में राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए जम्मू से रवाना हुई बीएसएफ की साइकिल रैली गुरुवार को बाड़मेर के जिले के चौहटन में पहुंची। इस दौरान बीएसएफ के जवानों एवं ग्रामीणों ने रैली में शामिल जवानों का स्वागत किया। साइकिल रैली दल का 50वीं वाहिनी के क्षेत्र में आगमन पर उप समादेष्टा कमल सिंह पिलानिया विकास सिंह ने किया स्वागत एवं रैली के सफल होने की दी शुभकामनाएं। ये दल सीमावर्ती गांव चौहटन आलमसर धनाव सेडवा गांव से होते हुए बाखासर पहुंचेगी। साइकिल दल का सभी ग्रामीण इलाकों में सीमावर्ती नागरिक स्कूली बच्चे एवं सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों व जवानों ने जोरदार स्वागत किया। रैली में पूरे रास्ते राष्ट्रभक्ति के नारे लगते रहे एवं राष्ट्रीय गीत गूंज रहे थे। सीमावर्ती क्षेत्र में रैली को लेकर काफी जोश व उत्साह देखने को मिला। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही इस बीएसएफ साइकिल रैली में 2 अधिकारी 4 अधीनस्थ अधिकारी व 14 अन्य रैंक के कार्मिकों समेत 20 लोग शामिल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यह साइकिल रैली जम्मू से 13 अक्टूबर को शुरू हुई और 13 नवंबर को बीएसएफ क्षेत्रीय मुख्यालय भुज गुजरात में पहुंचेगी। इस दौरान यह साइकिल रैली 2117 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस रैली का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में जनसाधारण के बीच राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश पहुंचाना है। रैली में शामिल जवानों का दल नशा मुक्ति व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के साथ ही नवयुवकों एवं विद्यार्थियों को सीमा सुरक्षा बल में सेवा करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।